सुपरविजन के लिए दो लाइनें पहले लिख लीजिए, आप सुपरविजन को लिखिए, तब तक हम सुपरविजन का फंक्शन को लिख रहे हैं। आप सुपरविजन लिखिए, हम सुपरविजन के क्या कर रहे हैं, फंक्शंस को लिख रहे हैं। बढ़े आगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं व्हाट इज सुपरविजन। सुपरविजन मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, सुपरविजन मींस, सुपरविजन का मतलब ही होता है क्या, देखना। क्या देखेंगे आप, ठीक से कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो बोल रहा है यहां पर सुपरविजन मींस पहले इंस्ट्रक्शंस देना है, गाइड करना है, मॉनिटर करना है द सबॉर्डिनेट्स बाय द सुपीरियर टू इंश्योर दैट दे परफॉर्म देयर जॉब इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स एंड इंस्ट्रक्शंस। जो प्लान है और जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसी को देखना क्या बोला जाता है, सुपरविजन। ठीक है जी। अब सुपरविजन से आता है सुपरवाइजर। जो सुपरविजन करता है उसको क्या बोला जाता है, सुपरवाइजर बोला जाता है। तो सुपरवाइजर का क्या क्या काम है, फंक्शन, तो आप देख रहे हो एक एक करके देखो। सबसे पहले पहला जो काम है, सर्विंग एज ए लिंक मैन। इसका मतलब क्या हुआ, जो सुपरवाइजर है वो लिंक का काम करता है, मैनेजमेंट का और आपके बीच वो लिंक है। मैनेजमेंट कोई भी बात सुपरवाइजर को बोलता है और सुपरवाइजर वो बात को सबऑर्डिनेट को बोलता है, सबऑर्डिनेट कोई भी बात सुपरवाइजर को बताता है, सुपरवाइजर उसमें से कुछ बात जो बोलना है वो अपना मैनेजमेंट को बताता है। तो लिंक का काम कर रहा है कि नहीं, मिडिलमैन। दूसरा, इंसुइंग ऑर्डर्स, क्या काम करना है, क्या इंस्ट्रक्शंस देना है, ये कौन करता है, सुपरवाइजर। तो यहां पर लिखा हुआ है इंसुइंग ऑर्डर्स, वही ऑर्डर आपको देता है, सबऑर्डिनेट को ऑर्डर देता है क्या करना है नहीं करना है, साथ ही साथ कैसे करना है उसका इंस्ट्रक्शंस भी देता है। थर्ड वन, गाइड करता है सबऑर्डिनेट को, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो आप किसको बुलाते हैं, सुपरवाइजर को, वो देखता है फिर आपको गाइड करता है। वर्क शेड्यूलिंग, शेड्यूल बनाता है वही, कब कौन वर्क करेगा, कितना देर करेगा, सारा काम कौन करता है, सुपरवाइजर। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, देखेंगे ये डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है, बिना डिसिप्लिन का कोई काम नहीं हो सकता है, अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, आपस में ही मनमुटाव हो जाएगा। तो ये कौन इंश्योर करता है। फिर है नेक्स्ट क्या, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। नो डाउट जी, सभी का इफिशियंसी अलग अलग होता है, सभी के कार्य क्षमता अलग अलग होता है, कोई जल्दी करता है कोई बाद में करता है, किसी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो जाता है, एवरेज होता है, किसी का बेड होता है। तो इसको कौन इंश्योर करता है, मॉनिटर कौन करता है, तो सुपरवाइजर। सेफ्टी, आप जहां काम कर रहे हैं वो सेफ्टी बहुत जरूरी है, सभी तरह का सेफ्टी को कौन मेंटेन करता है, तो सुपरवाइजर, वो देखता है कि यहां पर अगर कोई चीज का कमी है तो उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। मोटिवेटिंग वर्कर्स, वर्कर्स को मोटिवेट करता है, आपके लिए रिकमेंडेशन करता है ऊपर में, तो आपको अलग से इंसेंटिव मिलते हैं। अगर आपके कुछ हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, अगर आपको किसी तरह का मैनेजमेंट से दुख है, तकलीफ है, तो वो कौन हैंडल करता है, वो बताता है जाके। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो इसका रिपोर्टिंग, एक सुपरवाइजर को भी अपने ऊपर के लेवल को रिपोर्ट करके बताना पड़ता है, क्या क्या, तो कितने लोगों का ग्रुप है, कितने वर्कर काम कर रहे हैं, उसका अटेंडेंस कैसा है, आउटपुट कैसा है, ये सारा का सारा बात रेगुलर बेसिस पे आप सुपरवाइजर अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करता है।
तो जब भी आपको बोलेगा व्हाट इज सुपरवाइजिंग, उसके बारे में आप दो लाइन लिखेंगे। और अगर आएगा फंक्शन ऑफ ए सुपरवाइजर, तो ये पूरे 10 फंक्शन है, आप इसको सजा के लिख दीजिएगा। और लिखने के बाद इसमें से कोई भी 4-5 डील कर दीजिएगा। यहां पर मैंने पूरा ही डील करके आपको रख दिया है। ओके, बढ़े आगे।